सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के खेरदा क्षेत्र में बिजली पानी की समस्या से जूझ रहे स्थानीय वासिंदों के सब्र का बांध आखिरकार आज टूट गया और आक्रोशित लोगों ने शिवाड़ चौथ का बरवाड़ा मार्ग जाम कर दिया। इस दौरान कॉलोनी की महिलाओं ने मोर्चा संभाला और सड़क के बीच में अवरोधक लगाकर बैठ गई, जिससे मार्ग पूरी तरह से जाम हो गया। आक्रोशित लोगों ने बिजली विभाग एवं जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जाम की सूचना मिलने के साथ ही मानटाउन थाना पुलिस के साथ ही बिजली एवं जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पर जाम लगाकर बैठी महिलाओं ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। करीब एक घंटे तक महिलाएं लगातार जाम लगाकर बैठी रही। महिलाओं का कहना है कि उन्हें पिछले 15 दिन से पानी और बिजली नहीं मिल रही है, साथ ही जलदाय विभाग और बिजली अधिकारियों को कई मर्तबा सूचित भी किया गया, लेकिन अधिकारियों को इस मामले से लगता है कि कोई सरोकार नहीं है। बिजली और जलदाय अधिकारी खेरदा में पानी बिजली सप्लाई पर्याप्त देने में कतई गंभीरता नहीं दिखा रहे। ऐसे में आक्रोशित महिलाओं का कहना है कि जब तक निर्बाध रूप से उन्हें पानी बिजली नहीं मिलता, वे जाम नहीं खोलेंगे। जलदाय विभाग, बिजली विभाग एवं पुलिस प्रशासन के आश्वासन एवं कड़ी समझाइश के बाद प्रदर्शन करी महिलाएं जाम खोलने को राजी हुई। तब जाकर अधिकारियों ने राहत की सांस ली और जाम खुलने के बाद आवागमन सुचारू हुआ, लेकिन मौके पर तनाव के हालातों को देखते हुए फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात। रोड जाम किया है, क्या परेशानी आपको? पहले बारी तो हमारे को पानी की समस्या होती है, फिर दूसरी बात हमारी लाइट में बिल्कुल लाइन में लाइट नहीं मिलती है, बिल्कुल भी डिम आती है, पकड़ी नहीं मिलती है, नया लेता है तो फूक जाते है कोई साहब जाए। हम मजदूर आदमी रोज रोज खाते लेके आऊँ। दूसरा परेशानी हमारे को रोड की है, वो रोड कादा बिल्कुल इतना कादा में जा रहे हैं, तो हमारा समस्या का हल क्यों नहीं करते हो आप? आपने बिजली विभाग शिकायत की क्या? लाइट डिमांड की बिल्कुल 5 दिन हो गया हमारे को शिकायत करता बिजली विभाग में। जैन ने ऐसे किया कि हम आपको घर ही नहीं मिलेंगे तो आप क्या करोगे? रेलिंग में जा रहे हैं हम, मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं सुनवाई हो रही, हमें जयपुर तक फोन कर दिया, जयपुर के भी सॉरी बोलते हो लेकिन लाइट नहीं भेजते हो हमारे। शिकायतें थी लगातार, क्या कुछ समाधान निकला? इनकी कुछ समस्या है, इनको अभी ठीक करवा देंगे। मतलब किस तरह की समस्या रही इनकी? लोगों का आरोप है कि पिछले 6 दिनों से लगातार कंप्लेंट की, इन्होंने दर्ज नहीं कराई। अब जाम हटा दिया गया पूरी तरीके? बिल्कुल। पानी का तो सर इशू नहीं था, मौके पे मैं आया था, तहसीलदार जी का फोन आया था, खेरदा में जाम लगाया है, तो महिलाओं से जानकारी चाहिए तो वो ये कह रहे थे विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है, पिछले 7-8 दिन से पूरे वोल्टेज आ रहे हैं, पानी की कोई समस्या नहीं है। विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर आए थे और समझाइश करके जाम को खुलवा दिया है। निवासी महिलाएं यहाँ थोड़ा सा रोड पे आके प्रदर्शन कर रही थी, इनकी मांग थी कि हमारी बिजली डिम आती है कॉलोनी में तो वोल्टेज बढ़ाया जाए। उसके बाद में आईएन साहब ये आ गए, उन्होंने आश्वासन दे दिया कि जल्दी हम मतलब वोल्टेज काम चल रहा है और इनकी समस्या दूर हो गई। अब जाम हट गया? हाँ, ये प्रदर्शन था इनका जो हट गया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।